मैं बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास जहाँ पे अभी JNU के लिए पेपर हो रहा है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का ये पेपर हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक दो स्टूडेंट से पूछेंगे कि किस चीज़ का पेपर हो रहा है जी। लेकिन इतना पता भैया किस चीज़ का पेपर हो रहा है JNU के लिए, कौन सा कोर्स है नहीं पता है वो? हमें IR का पेपर है और इसके लिए सेंटर में एंट्री स्टार्ट हो गया हुआ है, देख सकते हैं आप। दोनों जगह से एंट्री मिल रही है, तो ये लाइन है। आप अपना सामान वगैरह जो भी लेके आए हुए, बैग वगैरह जो भी है, तो उसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे लोग सबमिट कर गया, मैं समझा कि उनको एंट्री नहीं मिली है, ऐसा कुछ कारण हो या ID नहीं हो, जो भी हो, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही। यहाँ पे आप अपना सामान सबमिट वगैरह कर सकते हैं जो भी है आपके पास। और दूसरी लाइन जो है वो एंट्री हो रही है, सेंटर में आपको एंट्री मिलती है, वहाँ से हो रहा है सारा प्रोसेस, वहाँ से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से सारा प्रोसेस जो है वहाँ से होता है, जैसे फिर एक एक करके अंदर सिक्योरिटी चेक करता है, फिर उसके बाद आपका ID, उसके बाद एडमिट कार्ड, फिर दो पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी मेटेरियल इक्विपमेंट है चाहे इलेक्ट्रॉनिक है जो भी, उसको आप अंदर लेके एंट्री नहीं कर सकते हैं, उसको बाहर रख सकते हैं, उसको अंदर लेके आप नहीं जा सकते। एक एक करके वहाँ एंट्री हो रहा, फिर आपका टेम्परेचर जाँच किया जाता है, फिर सैनिटाइज किया जाता है। जो भी प्रोसेस है COVID-19 के जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए सेंटर में आपको एंट्री दिया जाता है। काफी लंबा लाइन है भैया, किसी तरह का है किस चीज़ का पेपर है? अभी पॉलिटिकल साइंस का है, मतलब दो तीन अलग अलग चीज़ है। अच्छा, हमारा तो पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, दो तीन चीज़ों का पेपर है, पता नहीं किस चीज़ का पेपर है। MA IR MA पॉलिटिकल साइंस जो भी है, देख सकते हैं कैसे एंट्री होल्डर हो रही है, एक एक करके एंट्री हो रही है। काफ़ी लंबी लाइन है, धूप है इतना, आप देख सकते हैं इसमें, फिर भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, एंट्री ले रहे हैं। उनको पेपर देना है, JNU के लिए पेपर है, तो इसमें जाहिर सी बात है भीड़ होगी होगी। और NTA टेस्ट करवाता है, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके लिए आपको जो भी प्रोसेस करना पड़ता है आप देख सकते हैं। वहाँ कैसे एंट्री मिल रही है आपको, वहाँ आपको करने के बाद में कैसे एक करके आपकी सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, फिर उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। वहाँ पर आप देख सकते हैं आप अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर आपका चेक होता है, उसके बाद आपको अंदर भेजा जाता है। वहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है ID कार्ड, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड चेक करके आपको सेंटर में एंट्री मिलती है। आप अपने सेंटर में या सीट पे जाके आप अपना एंट्री दे सकते हैं, वहाँ से एंट्री मिलती है आपको। ये देख सकते हैं जो भी COVID-19 के रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाता है, सैनिटाइज भी किया जाता है, आपका टेम्परेचर की जाँच किया जाता है। वो देख सकते हैं कैसे चेकिंग हो रहा है, चीज़ें सारे आप देख सकते हैं कैसे चेकिंग किया जाता है। फिर उसके बाद ये एक लाइन है जो आप अपने सामान को जमा कराने जा सकते हो, उधर वाली लाइन इसकी है, और ये है आप सेंटर में जाने के लिए, ये जो लाइन है आप सेंटर में जाते हैं। देख सकते हैं आप एक एक करके कैसे आपको समय वो फिलअप कर सकते हैं, टी शर्ट में जो है वो चेक करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड को बार कोड से स्कैन किया जाता है, जो भी एडमिट कार्ड पे बार कोड उससे स्कैन करके आपको फिर एंट्री मिलती है अंदर। देख सकते हैं कैसे आप चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन लोगों का पेपर चल रहा है, MA IR MA पॉलिटिकल साइंस जो भी है सब, जब तक के लिए अभी इतना ही। हम लोग फिर उसके बाद जब एंट्री ख़त्म होगा, फिर उसके बाद 3-4 घंटे के बाद में पेपर होगा, उसके बाद जो स्टूडेंट पेपर दे के आएंगे उनसे हम स्टूडेंट रिव्यू जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।